और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये चढ़ नहीं रही है गाइस। हेलो गाइस, क्या हालचाल, बड़े सब। तो गाइस दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। एंड गाइस आज मैं अपनी बाइक जो एर्टिगा है उसको लेके जाने वाले हैं ऑफ रोडिंग पे। एंड देखते हैं यार जो इस वाली कार का इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहता है। एंड बाकी यार गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में भाई अपनी एर्टिगा की हालत जो थी बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरी हो गई थी, पर फाइनली भाई मैंने बहनी से बात करा के भाई इसको यहाँ पे फिक्स करा लिया है। और आप देख सकते हो जो अपनी गाड़ी है वो भी यहाँ पे पूरी की तरह नई हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत कीचड़ लग गई है क्योंकि मैं यहाँ से भाई घर से यहाँ तक आया हूँ, तो उसमें जो है थोड़ी बहुत पे कीचड़ वगैरह लग गया है। एंड अभी ज्यादा फालतू बकवास नहीं करते हैं, एंड फटाफट से गाइस अपनी जो कार है उसको लेके चलते हैं सीधा माउंट चिलियर्ड पे। एंड देन उसके बाद हम इसकी सीधा एक्सट्रीम ऑफरोडिंग करने वाले हैं और देखते हैं यार जो अपनी कार है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और बाकी जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस कार को देख रहे हो तो गाइस आप देख सकते हो चारों तरफ से भाई जो अपनी एर्टिगा का लुक यहाँ पे कैसा है। एंड बाकी मैं एक बार आपको अंदर से जो इंटीरियर है वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये है भाई अपना अंदर से इंटीरियर, और हल्का हल्का हम बोल सकते हैं वुडन टाइप्स, मतलब वुडन जो होता है ना उस तरह का मतलब अंदर से थीम है भाई अपने इंटीरियर की। तो गाइस अभी अपनी जो कार है इसको लेके चलते हैं। एंड बाकी यार गाइस आप लोग ये वाली कार को देख सकते हो, ये कार जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और इसका इसी वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को यहाँ पे कम लग रहा है। एंड अभी देखना होगा कि ये ऑफ रोडिंग में ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये माउंट चिलियर्ड पे चढ़ पाएगी या नहीं। वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को लग रहा है जो अपनी एर्टिगा है काफ़ी इजीली माउंट चिलियर्ड पे चढ़ तो जानी चाहिए। फिलहाल तो वो जब हम करेंगे तभी पता लगेगा। एंड बाकी गाइस आप देख सकते हो भाई ये चली अपनी कार यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ पे फुल सिनेमैटिक के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो भाई कि अपनी गाड़ी सीधा भाई पहाड़ से नीचे गिर जाए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा सिनेमैटिक जो शॉट है उसको यहाँ पे दिखाने की ट्राई नहीं करूँगा बिकॉज गाइस। और यहाँ पे ओ भाई साहब गाइस एक चीज़ आपने नोटिस करी भाई, अपनी एर्टिगा का जो ग्राउंड क्लियरेंस था ना वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि अभी काफ़ी ऊँची जो चढ़ाई थी वो आराम से चढ़ गई थी। एंड यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो अपनी गाड़ी है ना कहीं पर अभी ज़मीन वगैरह में टच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मेरे को लग रहा है पास हो गई है शायद। हाँ गाइस ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी जो है मेरे को ठीक ठीक लग रही है। एंड अभी आगे यहाँ पे और भी खतरनाक अपनी ऑफ रोडिंग है वो बची हुई है, तो देखते हैं इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। ओ भाई साहब, तो गाइस बाकी अगर बोला जाए तो इस गाड़ी को कंट्रोल करना भी काफ़ी आसान मेरे को लग रहा है, मतलब उतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड बाकी अगर एक बारी अंदर से चल के ड्राइव करा जाए तो यहाँ पे हाँ, तो गाइस पता नहीं भाई क्या हुआ अचानक से भाई गाड़ी के सारे गियर निकल गए और मेरे को नहीं पता भाई ऐसा क्यों हुआ था यार। तो अगर देखा जाए तो अंदर से भी ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई हम खुद से यहाँ पर गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, पर वो अलग बात है कि यहाँ पर हम अभी गेम में भाई जो अपनी कार है उसको चला रहे हैं। एंड देखते हैं यार ये ऑफ रोडिंग भाई कैसी करने वाली है। वैसे तो मेरे को लग रहा है काफ़ी आराम से यहाँ पर कर लेगी, और भाई सब देख रहे हो भाई अपनी एर्टिगा काफ़ी ख़तरनाक ही चल रही है यार। एंड बाकी अगर देखा जाए तो भाई इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को यहाँ पे कम लग रहा है। एंड एक्सट्रीम ऑफरोडिंग में देखना होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है क्योंकि वहाँ पर आप सभी को पता ही है कि ग्राउंड क्लियरेंस की जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यार उसका नाम ही भाई एक्सट्रीम ऑफरोडिंग है, और एक्सट्रीम रोडिंग ऑफ रोडिंग में मतलब वहाँ पर सब कुछ होता है यार भाई, वाटर टेस्ट वगैरह ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ टेस्ट होता है वो इसीलिए। और बाकी ये देखो भाई ये शेर मेरे को पता नहीं यहाँ पे हर बारी मिलता, मतलब ये लाइन है ना हर बारी मिलता है मेरे को, शायद भाई अपना इससे कुछ पुराना कनेक्शन होगा पिछले। और ये डियर भी भाई हर बारी मिलते हैं, और ये फॉरेस्ट वाली की जो गाड़ी है ना वो भी मेरे को ज़्यादातर टाइम मिलती ही मिलती है जब भी मैं भाई ऑफ रोडिंग के लिए जाता हूँ, ये लोग मेरे को पता नहीं क्यों मिलते हैं, पता नहीं शायद अपना इनका कुछ कनेक्शन होगा होगा यार, वो अभी बाद में कभी देखेंगे। और ये देखो भाई मेरे से और गाइस मैं यहाँ से बोल रहा था कि ये मेरे से रेस लगा रहा है, और ये भाई साहब बेवकूफ़ इंसान, मतलब इंसान तो नहीं है बेवकूफ़ जानवर मेरी गाड़ी के ही आगे आ गया। और चलो ये अच्छा है कि अपनी एर्टिगा पे भाई कुछ खून वगैरह यहाँ पे नहीं लगाए, वरना भाई फॉरेस्ट वाले हमें सीधा भाई इसके केस में अंदर भी कर सकते हैं यार, क्योंकि हमने एक डियर को यहाँ पे मार दिया है। पर्सनली मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, मैं बोल रहा था वो हमसे रेस लगा रहा है और अचानक से यार वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया और उस वजह से वो मर गया। चलो गाइस तो अभी देखते हैं यहाँ पे गाड़ी का अपना असली जो है टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, एंड देखते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी चढ़ पाती है नहीं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यार अपनी एर्टिगा जो है ना फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो शायद उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे माउंटेन पे चढ़ने में। और आप देख सकते हो यार गाड़ी को ना थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, और पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है गाइस आप देख सकते हो। ओके और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ओ भाई साहब मेरे को ये उम्मीद नहीं थी गाइस अपनी एर्टिगा से, यार ये चढ़ नहीं रही है गाइस। ओ भाई साहब गाइस ये क्या मैं देख रहा हूँ यार अपनी एर्टिगा चढ़ नहीं रही है। ओके थोड़ा सा पीछे लेके एक बारी और ट्राई करते हैं।
एंड सच्ची में यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है गाइस, भाई अपनी इर्टिगा जो है वो भी इतनी नॉर्मल सी चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही है। हालांकि फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो इसीलिए जो उसके टायर है काफ़ी स्केट मार रहे हैं। एंड आप देख सकते हो जो अपनी गाड़ी है भाई, इसको कितना स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ रहा है। एंड होप है कि इस बार तो चढ़ जाएगी। ओके, इस बार काफ़ी बढ़िया जा रही है, काफ़ी बढ़िया जा रही है, काफ़ी सही जा रही है। एंड देखते हैं क्या होता है, चढ़ पाती है नहीं यहाँ पे। और कैमरा एंगल चेंज करते हैं और यहाँ पे फाइनली गाइस जो अपनी इर्टिगा है वो चढ़ गई है। मतलब यार फर्स्ट अटैम्प में अपनी कार जो थी ना वो नहीं चढ़ पाई, और यार मैंने गलती से यहाँ पर रोकी क्यों यार अपनी गाड़ी को, देख रहे हो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो यार अपना इर्टिगा का जो इंजन है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर पता नहीं यार ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत देते हुए हमें नज़र आ रही है। एंड देखते हैं कि माउंट लियार्ड पे चढ़ पाएगी या नहीं। ओके, यहाँ पे तो बड़े ही आराम से चढ़ गई। वैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ गाड़ियाँ भाई चढ़ने में बहुत दिक्कत करती है, एंड इर्टिगा अपनी काफ़ी इजीली चढ़ गई। और बाकी ग्राउंड गेट्स की अगर बात की जाए तो ग्राउंड गेट्स के मामले में गाइज अभी तक अपनी गाड़ी ने कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं कराई है कि ऐसा कहीं पर भी लगा हो कि गाड़ी भाई जो ज़मीन में टच हो गया। एंड अभी यहाँ पर देखते हैं चढ़ पाती है नहीं। तो यहाँ पे गाइस, ओ भाई साहब यहाँ पे भी चढ़ गया यार गाइस। और अरे अरे भाई साहब ये तो गलत ही जगह जा रही थी। चलो मैंने भाई कंट्रोल कर लिया, वरना अदरवाइज अपनी गाड़ी अभी नीचे गिर जाती। तो गाइस अब मेरे को लग रहा है अपनी माउंट लियार्ड पे तो अब चढ़ जाएगी। मतलब उतना कुछ खास हार्ड वाला जो चीज़ें थी ना वो सारी की सारी अपनी हो चुकी है, पर अभी भी माउंट लियार्ड काफ़ी ज़्यादा दूर है। एंड वहाँ तक जाते जाते जो चढ़ाई है ना वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो गाड़ी के इंजन पर जो है लोड बढ़ता ही जाएगा जैसे हम हाइट पर पहुँचते जाएंगे। एंड देखते हैं कि चढ़ पाएगी यानी, वैसे लग तो रहा है मेरे को चढ़ जाएगी काफ़ी इजली, क्योंकि पीछे वाले जो हिस्सा है ना, मतलब पीछे जितनी भी वो चीज़ें थी ना वो जब अपनी कार कर गए तो माउंट क्लियर, तो भाई क्या ही चीज़ है। फिलहाल तो हमें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और आप देख सकते हो भाई सब गाइस ये चली भाई अपनी कार यहाँ पे। सिनेमैटिक से लुक थोड़े से मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, बस होप है इन सिनेमैटिक लुक के चक्कर में अपनी गाड़ी के साथ में कुछ गड़बड़ सीन ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें इससे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी करनी है। और यहाँ पे गाइस ऑलमोस्ट अब पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है। अरे अरे भाई साहब बच गई, अभी दोबारा भिड़ जाती। और गाइस मैंने जैसे कि बोला था, जैसे हम हाइट पे बढ़ते आ रहे हैं ना वैसे वैसे गाड़ी के इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी कंट्रोल करना भी मतलब मुश्किल हो रहा है। और हट जाओ भाई तुम लोग, वरना खामखा उड़ जाओगे मेरी गाड़ी से। अभी एक को मैं उड़ा के तो आया हूँ, और नहीं उड़ोगे मतलब नहीं हटोगे तो मैं उड़ा ही दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये भाई ये लोग हटते नहीं है यार। पता नहीं है भाई कैस टाइप के इंसान होते हैं, मैं जब भी ऑफ रोडिंग करने आता हूँ ये लोग तब भी मेरे को मिलते ही मिलते हैं हर बार। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अपनी कार भाई काफ़ी स्लो यहाँ पे चढ़ रही है, मतलब उतनी स्पीड से नहीं चढ़ रही है जितनी स्पीड से इसको चढ़ना चाहिए। एंड आप देख सकते हो गाड़ी को अभी जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती आ रही है वैसे वैसे प्रॉब्लम जो काफ़ी फेस करनी पड़ रही है, एंड इंजन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर लगानी पड़ रही है। पर फाइनली गाइस जो अपने इर्टिगा है वो भाई अपना माउंट लियार्ड के टॉप पे आ चुकी है। एंड अभी लगे हाँ तो इसका ग्राउंड गेज भी देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे चलो गाइस अपनी कार। ओके, तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था इस गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ग्राउंड गेज कम था, एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टेयर पे जो गाड़ी थी ना वो हल्की सी मतलब टच हो गई। और बाकी तो अपनी कार आप देख सकते हो माउंट लियार्ड पे तो आ गई है। एंड अभी बारी है सीधा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने की, एंड देखते हैं वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो गाइस यहाँ पे हम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं। एंड गाड़ी को यार मैंने बहुत ज़्यादा भाई स्पीड में भगाते हुए लेके आया हूँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो यार। वैसे ऑफ रोडिंग मतलब वहाँ से भाई माउंट लियार्ड से उतारते रहे ना, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा भाई डिसबैलेंस ही हो गई थी। एक बार तो बच गई थी भाई, पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, पर तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लिया। एंड फाइनली जो है हम अभी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पे आ चुके हैं। एंड गाइस यहाँ से अपनी कार की होगी भाई एक्चुअली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग टेस्ट, एंड देखते हैं यहाँ पे जो अपनी कार है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। होप है यार कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग बढ़िया हो जाए इस कार से। वैसे सच्ची बोलूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत इस पर डाउट हो रहा है, और वो थोड़ा सा ग्राउंड गियर इसको लेके हो रहा है क्योंकि इसकी लेंथ ना काफ़ी ज़्यादा है। वैसे अपनी इनोवा भी भाई काफ़ी लंबी कार है, तो वो जब करगी तो ये भी कर ही जाएगी। एंड बाकी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर से भाई अपनी कार को उतारना पड़ेगा। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे भाई साहब, चलो गाड़ी भाई उतर तो रही है, आराम से उतारना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ब्रेक मार मार के और भाई साहब गाइस मेरे को लगा था अपनी गाड़ी पलटने वाली है, पर जी नहीं, अपनी गाड़ी यहाँ पर पलटी नहीं। एंड अभी यहाँ पर देखते हैं इधर पत्थरों की तरफ से निकल पाती है नहीं। चलो ठीक है, यहाँ से निकल गई है, काफ़ी आराम से निकल गई है। एंड अभी थोड़ा साइड से मेरे को निकालना पड़ेगा, और ओ भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी जो है ज़मीन में टच हुई थी। एंड यहाँ पे ओ भाई गाइस अपनी कार को थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग में ही यार काफ़ी दिक्कत होने लगी है, और अभी तो अपनी ऑफ रोडिंग है काफ़ी सारी बची हुई है। और यहाँ पे ओ हो ब्रेक, चलो भाई रुक गई तो थोड़ा जान में जान आई। एंड यार गाइस भाई अपना फ्रंट वाला जो कांच है ना वो टूट चुका है,
क्योंकि यार अभी ये कहीं ना कहीं तो टूट गई थी। और गाइज अभी बारी है इस ब्रिज को पार करने की, और जो कि पूरा पत्थर का बना है, एंड बस यहाँ पे अगर ये पार हो गई ना तो भाई अपनी गाड़ी सक्सेस हो जाएगी, लेट्स गो। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ओ भाई सब क्या ही बढ़िया तरीके से एक ही बार में जो अपनी एडिक है वो पूरा का पूरा ब्रिज पार करके आ गई है। एंड हम बोल सकते हैं गाइज जो अपनी गाड़ी का ग्राउंड गियर था वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब मैं इसको ख़राब बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो भाई इतना हार्ड जो था वो पूरा अपना कार करके आ गई है काफ़ी आराम से। एंड अभी गाइज बचा है अपना वाटर टेस्ट, तो देखते हैं यार वाटर टेस्ट में ये कैसा परफॉर्म करती है। एंड भाई साहब ये फॉरेस्ट वालों की गाड़ी ना हर बारी यहाँ पे पंगे करती है, फंस जाती है। एंड अभी यार यहाँ पे गाइज देखते हैं कि ये चढ़ पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम तुरंत से मेरे को ऊपर चढ़ाना है। और ओ भाई साहब गाइज देखा भाई इर्टिगा यार सही में काफ़ी पावरफुल कार है भाई, एक ही बार में वो इतनी खड़ी चढ़ाई जो थी वो चढ़ गई है। एंड लेट्स गो अभी बढ़ते हैं फटाफट से आगे, यहाँ पे तो तब कुछ हार्ड नहीं है। ओहो भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक, सामने पत्थर रखे हुए हैं और अगर मैंने ब्रेक नहीं मारू तो ना पक्का अपनी गाड़ी यहाँ पे भिड़ जाती भाई इन पत्थरों के बीच में। तो चलो गाइस अभी बारी है अपना गाड़ी का वाटर टेस्ट की, एंड देखते हैं वाटर टेस्ट में ये पास हो पाती है नहीं। और ये भाई सब गाड़ी है हर बारी मेरे को यहाँ पर मिलती है बीच रस्ते में, पता नहीं किसने गिर रखी यहाँ पर। और अरे भाई यार ये पत्थर इतना बड़ा, शायद पहाड़ से भाई लुढ़क के नीचे आ गया होगा। तो गाइस अभी दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि अपनी कार का वाटर टेस्ट होने वाला है, एंड देखते हैं अपनी जो कार है वो इस रिवर को क्रॉस कर पाती है नहीं एक ही बार में। गाइस ये चली अपनी कार यहाँ पे, और ओ भाई साहब काफ़ी आराम से कर गई यार, मेरे को लगा था भाई थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, पर नहीं यार भाई अपनी इर्टिगा बहुत ही आराम से जो है भाई वाटर टेस्ट भी यहाँ पर पास कर गया। पर वेट अ सेकेंड गाइस, अभी भाई वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि अभी एक बार जो अपना चैलेंज है मतलब वाटर टेस्ट वो बचा हुआ है। और यहाँ पे ओ गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी का थोड़ा सा भाई ग्राउंड गियर कम पड़ा था, मैंने देखा था नोटिस करा था वहाँ पे हल्की सी गाड़ी अपनी टच हो गई थी ज़मीन में, पर कोई बात नहीं काफ़ी आराम से वहाँ पे निकल आई, ठीक है। और अभी बारी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं निकल पाती है नहीं। और भाई साहब यहाँ पर ना कुछ ये पेड़ जो है ना इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, तो इसकी वजह से गाड़ी जो है उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड देन इधर से देखते हैं, और यहाँ पर भैया लटक गई है अपनी कार, और क्या ये यहाँ से निकल पाएगी गाइस, क्या लग रहा है भाई आगे से फंस गई है, पीछे ये पत्थर पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं वो साइड से जो टहनी दिख रही है ना छोटी छोटी उधर से निकालने का ट्राई करते हैं, वैसे शायद इधर भी वो इनविजिबल चीज़ होगी नहीं, इधर है पर कम है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ओ भाई साहब अपनी एटिका जो है पूरी हवा में लटक गई है, और मेरे को ना लग रहा है यहाँ पर भाई स्पीड से निकालनी पड़ेगी, एक ही बार में स्पीड में निकाल दूंगा मैं। चलो लेट्स गो, फाइनली गाइस जो अपनी कार है वो यहाँ से निकल गई। पर वेट यार ये पत्थर पत्थर कितने सारे पड़े हुए हैं यार, भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ अपनी गाड़ी में, वैसे ही भाई मैं इसको खरीद के लाया था उसके बाद इतना मोटा खर्चा बैठ गया। लास्ट वाली वीडियो में भाई इसका बम्पर वम्पर सब टूट गया था, एंड अगर वो वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो यार देख लेना, काफ़ी बढ़िया वीडियो मैंने बनाई थी और थोड़ा सा अलग कंटेंट था उसमें। एंड लेट्स गो गाइस अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, एंड देखते हैं कि ये पार हो पाती है नहीं। तो 1 2 3 एंड पूरी स्पीड में मैं लेके जाने वाला हूँ। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो भाई अपनी इर्टिगा जो थी पूरा पानी में डूब गई थी, मतलब पूरी गाड़ी डूब गई थी, एंड उसके बावजूद आप देख सकते हो जो अपनी कार है वो यार वाटर टेस्ट में भी यहाँ पे पास हो चुकी है। तो गाइस मेरी तरफ से मैं अपनी इर्टिगा को भाई 10 में से पूरे के 9 मार्क्स देने वाला हूँ। एक नंबर जो है वो मैं इसका थोड़ा सा ग्राउंड गियर इसका काट रहा हूँ, क्योंकि एक बार जो गाड़ी थी ना वो आप लोगों ने देखा ही होगा ज़मीन में टच हो गई। एंड बाकी आप लोग बताना कि आपने भाई इसको कितने नंबर दिए 10 में से, मैं तो 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ, एक नंबर बस मैं उसी का काट रहा हूँ ग्राउंड गियर का थोड़ा सा, वरना इसको मैं पूरे 10/10 देने वाला था लाल। तो अरे भाई सब यहाँ पे ओ भाई, तो गाइस थोड़ी सी ऑफ रोडिंग अपनी गलत हो रही है, मतलब गाड़ी में थोड़ा काम तो हमें कराना पड़ेगा। एंड ये तो काफ़ी आराम से पार कर जाएगी ये वाला ब्रिज। तो चलो यार गाइस अपनी जो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे समाप्त ही होने वाली है, है कि पूरी ख़त्म ही होने वाली है। जो अपना ट्रैक है बस थोड़ा सा ही बचा है, पर अभी भी इस थोड़े से ट्रैक में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोग एंड तक वीडियो देखते रहोगे, वरना कुछ लोग हैं भाई अभी तक वीडियो छोड़ के भी चले गए होंगे, पर ऐसा मत किया करो गाइस, वीडियो को ना पूरा देखा करो यार, तभी तो आपको पूरी सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। एंड ओ यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, चलो भाई ये भी पार हो गई है। तो गाइस जो अपने इर्टिगा है वो अपना पूरा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर चुकी है, और ओ भाई साहब क्या ही ज़बरदस्त था वो, मतलब एक बारी को लगा था भाई गाड़ी पलटने वाली है, पर जी नहीं गाइस अपनी जो इर्टिगा है
वो फाइनली अपना पूरा एक्सट्रीम ऑफ रोड यहाँ पे कंप्लीट करके आ चुकी है। एंड अगर बात करी जाए गाड़ी में क्या क्या डैमेज हुआ है, तो उसकी तो गाड़ी का जो फ्रंट वाला शीशा है वो यहाँ पे डैमेज हुआ है। गाड़ी के बम्पर में बहुत ज्यादा भाई डैमेज पहुंचा है। आई मीन मैंने अभी लास्ट टाइम ही यार इसका नया बम्पर लगवाया था, एंड दोबारा से मेरे को उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। और तो बाकी साइड वाइड में छोटे मोटे स्क्रैचेस आए हैं, और उतना कुछ खास यहाँ पे डैमेज देखने को हमें नहीं मिल रहा है। बाकी अपनी जो ओवरऑल कार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे बच गई है, मतलब सही सलामत, वरना ज़्यादातर टाइम भाई क्या होता है गाड़ी की बैंड बच जाती है। बाकी यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।